इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत सिकंदर वारसी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि लड़का शादी से पहले नामर्द है, उसको पता है, फिर भी झूठ बोल के मुआशरे में अपनी इज्जत की खातिर किसी लड़की से शादी किया उसने, और फिर जब लड़की वालों को पता चला वो चाहते हैं कि वो लड़के से खुला ले ले लड़की के साथ, तो अभी क्या हुक्म है शरीयत, तो लड़के पे क्या जुर्माना डाल सकते हैं उस लड़के पे कि उसने झूठ बोल के शादी किया, मतलब इतना सब लड़कियों ने मतलब इज्जत सब दांव पे लगा दी उसने, क्या हुक्म रहेगा उस वेदी की डहरे में, लड़के को हम शरीयत की डहरे में क्या कर सकते हैं, प्लीज़ आप बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये आपने ठीक किया कि सवाल को जो है वो ऑडियो में भेजा, अभी इसे ऑडियो बोलें या वीडियो बोलें, खैर जो भी है, अगर आप लिख के भेजते तो मैं शायद इतनी तफसील उसमें नहीं बताता, बल्कि जवाब भी शायद मुश्किल होता आपको देना, लेकिन आपने ऑडियो में सवाल पूछा तो ये ज़्यादा बेहतर विकल्प आपने अपनाया ताकि मैं इसका तफसील से जवाब दे सकूँगा। और क्योंकि सवाल जो है वो इतना कॉमन और जनरल है कि अक्सर तलाक के मसाइल में ये सवाल लोग अक्सर पूछते ही रहते हैं, और पूछते उस वक्त हैं जब तलाक हो चुकी होती है, यानी ऐसी सूरतों में घर वाले तलाक करवा देते हैं पहले, उसके बाद ये सवाल पूछते हैं कि ये सूरत हाल थी तो तलाक करा दी गई या तलाक ले ली गई। हालांकि वो मामलों में बाज़ में तो तलाक ज़रूरी भी नहीं होता लेना, और बाज़ में तलाक से पहले कुछ मामलात होते हैं तो वो लोग जल्दबाजी में तलाक जो है वो करवा के घर को यानी बर्बाद करना या ख़त्म करवा देने वाले मामलों को अपना लेते हैं। अभी जैसा आपका सवाल है कि कोई शख्स के जो नामर्द है और उसने अपने इस ऐब को छुपा कर शादी कर ली और अब वो क्या करे, बाद निकाह मालूम चला कि वो नामर्द है। सबसे पहले नामर्द क्या होता है उसको शरीयत के एतबार से समझ लेते हैं, उनकी किन सूरतों में तलाक का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, तो आपको ये जवाब समझने में थोड़ी आसानी होगी। क्योंकि ये सवाल बार बार आता है तो लिख कर बार बार तफसील देना मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको वीडियो में या ऑडियो में रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आइंदा के लिए भी ये मसला जो है आप किसी को अगर पेश आए तो वो इसको सुन के इससे फ़ायदा उठा सके। और इससे पहले भी कई मरतबा सवाल आया क्योंकि वो तहरीर में लिख के आया और ये सवाल मैं लिख के देना नहीं चाहता था, क्योंकि बाज़ लोगों को बदगुमानी होती है कि कुछ सवाल चैनल पर आते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं, तो इसलिए आपने ऑडियो में पूछा तो ये कन्फर्म भी हो जाएगा कि सवाल साहिल की तरफ से आया है। तो सबसे पहले ये कि नामर्द वाला जो आपने मामला सवाल में आपने पेश किया है, तो शरीयत में नामर्द उसको कहा जाता है, यानी ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जो शख्स औरत के साथ हम बिस्तरी करने पर कादिर ना हो, उसको नामर्द कहा जाता है। हम बिस्तरी करने पे कादिर ना हो से क्या मुराद होती है, इसका मतलब ये है कि आदमी के प्राइवेट पार्ट्स में, उसके पेनिस में इतनी सख्ती भी ना हो, इतना इंतशार ही ना होता हो कि वो औरत के साथ शहवत के साथ सेक्स कर सके, यानी औरत के साथ हम बिस्तर हो सके, या और आसान ज़ुबान में समझे कि औरत की शर्मगाह में अपनी शर्मगाह को दाखिल कर सके। अगर कोई आदमी इस कदर मरीज़ है, जिसको आम ज़ुबान में आप किनर कह सकते हैं या हिजड़ा वगैरह भी कहते हैं या गे कहते हैं, कि जो जिसके अंदर हम बिस्तरी करने की ताकत नहीं होती, तो ताकत ना होने से मुराद ये होता है कि उसके मखसूस पार्ट में, उसके पेनिस में इंतशार नहीं होता, सख्ती नहीं होती कि वो औरत के साथ सेक्स कर सके, या इस तरफ उसका रुझान ही नहीं जाता, उसको सहवत ही पैदा नहीं होती ये सब मामले करने की, तो उसको कहा जाता है नामर्द। अब ये होता कैसे है, इसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। एक तो होता कुदरती तौर से, यानी कुदरती तौर से ही बंदे के अंदर ऐसा कोई उज्र पाया जाता है कि जिससे वो हम बिस्तरी नहीं कर सकता, और एक सूरत होती है कि बंदा कुदरती तौर से तो नहीं था लेकिन बाद में कुछ ऐसे मामले हुए, और वो मामले जैसे कि कोई सड़क हादसा हुआ, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसकी बिना पर कोई नस दब गई, या कोई इंजरी इनसाइड ऑफ प्राइवेट पार्ट्स जो है वो हो गई, जिसकी वजह से आदमी जो है वो नामर्द हो गया,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने किसी पर बंदिश करा दी, जादू करा दिया और उसको जादू के ज़रिए से नामर्द कर दिया गया। या फिर इसकी सूरत ये भी होती है कि प्राइवेट पार्ट में डायरेक्ट कोई चोट लग गई या कोई चीज़ लगी जिससे कोई नस ब्लॉक हुई या कोई ऐसा मामला हुआ कि जिसकी वजह से उसका प्राइवेट पार्ट में सख्ती ख़त्म हो गई कि अब वो जिमा हम बिस्तरी कर ही नहीं सकता, इस तरह से नामर्द भी हो जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसको कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से हार्ड दवाइयाँ खाई हों, जिसके रिएक्शन में ये एक्शन हुआ हो कि उसके अंदर से ये मामलात ख़त्म हो गए, नहीं दूसरी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट आप इसको कह लें कि जिसकी वजह से आदमी जो है वो नामर्द हो जाता है। या इसका तीसरा रीज़न होता है किसी की इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर है, इतना वीक है कि उसको अक्सर बुखार रहता ही है या और वो बुखार नमूनिया में या टाइफाइड में बदल जाता है अक्सर, तो ऐसे शख्स को भी इस तरीके की बीमारी पेश आती है। लेकिन बीमारी यानी ये जो बुखार वाली बीमारी होती है इसके अंदर आदमी हम बिस्तर पर कादिर होता है, इसमें स्पर्म मोटिबिलिटी स्टम मोटिलिटी या फिर ये कि स्पर्म क्वालिटी के अंदर फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम बिस्तर या जिमा करने या इंतिशार पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो किसी एक ख़ास औरत से हम बिस्तरी नहीं कर पाता लेकिन दूसरियों से हम बिस्तरी पे कादिर है, मसलन ये कि किसी की एक से ज़ायद बीवियाँ हैं, अब वो एक के साथ हम बिस्तरी नहीं कर पाता दूसरी के साथ कर पाता है, और जो पहले के साथ नहीं कर पाता वो किसी ने इसको बंदिश या जादू करा दिया किसी आपसी रंजिश की वजह से, या घर ख़ानदानों में भी होता है कि फ़लाँ की शादी फ़लाँ से ना हो, हमारी बेटी से हो जाए इस तरीके के मामले में, तो फिर भी वो शख्स जो है वो मुकम्मल तौर से नामर्द करार नहीं पाएगा, बल्कि वो उस औरत के हक में नामर्द करार पाएगा जिसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर पा रहा, और जिसके साथ वो हम बिस्तरी कर पा रहा है उसके साथ वो मर्द करार पाएगा। तो किसी भी शख्स का नामर्द होना या शरीयत में नामर्द करार देना जिसकी बिना पर तलाक़ें कराई जाती हैं वो उसी वक्त होता है कि जबकि आदमी को ये तहकीक हो कि वो हम बिस्तरी पर कादिर है या नहीं, ये तहकीक, ना कि इसका मामला स्पर्म के ऊपर या इस तरीके की टेस्ट या इस तरीके की रिपोर्ट्स या औलाद के होने ना होने के बेस्ड पर नहीं होता। तो अब ये कि आपने जैसा सवाल किया कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो नामर्द उसने बात छुपाई, तो अगर वाकई सूरत ये मैंने तारीफ इसलिए बताया ताकि आपको आगे सवाल समझने में आसानी हो जाए कि कहाँ पे तलाक़ की गुंजाइश होती है और कहाँ पर वक्त देने की गुंजाइश होती है। अब अगर सूरत यही है जैसा कि आपने बयान किया कि कोई शख्स नामर्द था और उसने शादी कर ली, तो अब आप समझ गए होंगे कि नामर्द होना किसको कहते हैं, यानी हम बिस्तरी ना कर पाना उसको नामर्द कहते हैं। तो ऐसे शख्स को निकाह करना ये जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो नामर्द है, हम बिस्तरी ही नहीं कर पाता, औरत की तरफ रुझान ही नहीं होता उसका, सेक्स करने का दिल ही नहीं होता उसका, करता ही नहीं है वो, और कोशिश भी करता है तो कर नहीं पाता, तो ऐसी सूरत में उसको निकाह करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि निकाह करेगा तो गुनाहगार होगा। और अगर बिलफर्ज ऐसे शख्स ने चोरी यानी छिपा के अपने ऐब को या अपने बीमारी को छिपा के निकाह कर भी लिया, तो इस शख्स पे वाजिब है कि वह अपनी औरत को तलाक दे के रुख्सत करे ताकि वो कहीं और जाके निकाह करे और अपनी ज़िंदगी को यानी खुशी से बिता सके। तो यहाँ तक तो हुआ आपके सवाल का जवाब कि अगर किसी शख्स ने ऐसा किया हो तो उसको तलाक दे देना वाजिब है, अब वो तलाक नहीं देता तो औरत खुला ले ले और उससे जुदा इख्तियार करे। अब इसमें होता क्या है कि अगर आदमी तलाक नहीं दे तो क्या करें, ऐसा भी होता है। तो अगर आदमी तलाक नहीं देता तो लोग इसका हल अपनी अकल से वो ये निकालते हैं कि औरत का निकाह कहीं और जबरन कर देते हैं, और उसमें जो है वो बहाना उजर ये पेश करते हैं कि फलां शख्स ने तलाक दी ही नहीं तो हम क्या करते। तो इसके बीच में भी शरीयत ने एक रास्ता निकाला है, यानी ऐसा तो नहीं है कि शरीयत में औरत के लिए कोई रास्ता ना हो कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, क्योंकि ये तो औरत के लिए सारे रास्ते बंद से नज़र आ रहे हैं ना कि आदमी तलाक नहीं दे रहा तो औरत फंस गई, तो ऐसा नहीं होता। इस सूरत में होता ये है कि अगर कोई शख्स नामर्द है और वो औरत के साथ जिमा हम बिस्तरी नहीं कर पा रहा, तो औरत जो है वो शहर के काजी के पास जाके अपना दावा पेश करेगी कि ऐसा ऐसा मामला है और मेरा आदमी मुझे तलाक नहीं देता। शहर का काजी अब क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है तो बादशाह किसको काजी करार देगा, तो ऐसी सूरत में जो आपके शहर का सबसे बड़ा आलिम होगा सहीउल अकीदा सुन्नी, तो ऐसा मुफ्ती जो है वो काजी के कायम मकाम होगा। तो ये तहकीक आपको करनी पड़ेगी कि आपके शहर में दारुल इफ्ता कहाँ है, बड़े मुफ्ती बड़े उलमा
कहाँ हैं उनसे थोड़ा रابطہ करके, मस्जिद के इमाम से रابطہ करके पता लगाया जा सकता है कि इस वक्त जो है वो काजी की हैसियत कौन सा आलिम दीन हमारे शहर में रखता है। और अक्सर तो अब ऐसा होता है कि जो उलमा जो है ना डिसाइड कर ही देते हैं किसी न किसी जलसे वगैरह में कि हाँ इस वक्त शहर के काजी जो है वो ये शख्स हैं। दावा पेश करने का मतलब होता है वहाँ जाके औरत सूरत हाल उनको बताएगी कि जो शोहर है वो नामर्द है और इसने अपने बात को छिपा कर मुझसे धोखा दे के शादी करी है। और ऐसे में क्या होगा, फिर काजी जो है वो तहकीक करेगा अपने बिना पर, अब चाहे वो डॉक्टरी मेडिकली रिपोर्ट की बिना पर हो या किसी हकीम के ज़रिए हो कि आदमी वाकई में नामर्द है। तो अगर ये बात साबित हो जाती है कि हाँ आदमी नामर्द है और वो जिमा नहीं कर सकता, हम बिस्तरी नहीं कर सकता, तो फिर काजी जो है वो उस आदमी को एक साल की इलाज कराने की पहले मोहलत देगा, यानी मुकम्मल एक साल 355 दिन, इसमें एक भी दिन कम नहीं। उसके बाद इसको एक साल का टाइम दिया जाएगा कि अपना इलाज कराए, फिर इन दोनों को उस दौरान भी साथ ही रहना होगा। अब वो इलाज के अपने प्रोसेस है कि अगर डॉक्टर मना करे कि इलाज के दौरान हम बिस्तरी ना करो तो फिर बेहतर है कि ना करी जाए, मतलब औरत बाकी जो है घर की जिम्मेदारियां आदमी की निभाएगी उस वक्त भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी एक साल का इलाज करा, औरत अपने घर जाके बैठ जाए, आना ही ना चाहे कि अब जो है ना वो तलाक ही लेनी है, मेरे को जाना नहीं है, तो ये फ़िलहाल दुरुस्त नहीं है। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा और सब्र करे कि थोड़ा उसके घर पर ही रुके, उसके जो भी उसकी शोहर होने के हक हैं उसको अदा करे, उसका खाना कपड़ा वगैरह जो भी है, और आदमी पर जो जिम्मेदारियां हैं औरत की वो उसको उसका कपड़ा खाना पीना वो अदा करे। फिर एक साल मुकम्मल होने के बाद ये फिर दोबारा अगर पाए औरत, अगर आदमी ठीक ही हो जाए तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अगर वो हम इस तरीके कर पा रहा है, इलाज से ठीक हो गया तो ठीक है, मसले ख़त्म। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो औरत दोबारा उसी काजी के पास जाके फिर से अपना दावा पेश करेगी कि आदमी ऐसा ऐसा मामला और इससे तलाक ये नहीं देता। अब फिर दोबारा काजी इसको बुलाएगा और ये चीज़ तहकीक हो चुकी होगी बाद में कि इलाज कराने के बाद भी इसने जो है वो हम बिस्तर पे कादिर नहीं हो, तो काजी इसको जो है वो तलाक कराने का हुक्म देगा। जाहिर है कि आदमी तलाक अगर नहीं देना चाहेगा तो वो नहीं देगा, अपनी ज़िद पे रहेगा कि मुझे तलाक नहीं देनी। तो फिर ऐसी सूरत में काजी जो है वो निकाह को ख़त्म करा दे। असल में इसे फस्खे निकाह कहते हैं कि निकाह को ख़त्म कराना, काजी पे पावर होती है कि वो निकाह को ख़त्म करा दे, तो फिर उसके बाद औरत जो है कहीं और निकाह कर सकती है। तो ये प्रोसेस होता है औरत को निकाह यानी तलाक कराकर निकाह से बाहर करने का। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी अकल से खुद ही बिना शरीयत के जो दायरे हैं या जो उसमें रूल रेगुलेशन है उसको छोड़कर ख़ुद अपने पास से कहीं और निकाह कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शौहर तलाक नहीं देता तो ये सूरत होती है आप काजी के पास जाएँ और वहाँ तलाक दे। और अक्सर आदमी तलाक नहीं देता, वो सूरतें ऐसी जुल्म की ही होती हैं जिसमें नहीं देता, वरना अक्सर केसों में तलाक लेना वाजिब भी नहीं होता, क्योंकि इस केस में वाजिब है कि आदमी को तलाक वाजिब है कि वो दे दे औरत को, अपने पास ना रखे। और लेकिन हर सूरतों में वाजिब नहीं होता, हर सूरत में आदमी को इख्तियार है कि वो ना दे। तो फिर जो है वो इस तरह से जो काजी है वो अपनी पावर से उस निकाह को ख़त्म कराएगा और औरत नहीं उन निकाह कर सकती, इस तरह वो आज़ाद होती है। अच्छा, ये सब सूरतें उस वक्त पेश आएंगी कि जब आदमी तलाक ना देने पर अड़ा हुआ हो और औरत उससे जुदा इख्तियार करती हो। अगर आदमी ख़ुद ही उसको तलाक देना चाहता हो या औरत उससे मुतालबा करे कि मुझे तलाक दे दें आप, और आदमी तलाक दे दे, तो फिर काजी तक जाने का मसला ही नहीं है, फिर तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। औरत तलाक ले और अपना दूसरा निकाह का इंतज़ाम कर ले, कोई मसला नहीं है उसमें। ये सूरतें उस वक्त फिर पेश ही नहीं आनी। हाँ, अगर औरत ख़ुद अपने पास से भी इलाज का टाइम देना चाहती है, मसलन ये कि औरत ख़ुद उसको इलाज का टाइम 1 साल 2 साल देना चाहती है, तो उसकी मर्ज़ी। और इलाज के बाद भी सूरत नज़र नहीं आती कि भाई इलाज के बाद भी हम बिस्तरी नहीं कर पाता वो आदमी, तो फिर औरत को इख्तियार है कि वो तलाक तलब करे, आदमी को चाहिए कि तलाक दे दे। अगर नहीं देता, ज़िद पे अड़ता है, तो खुला ले ले औरत, अगर वो खुला से नहीं मानता तो फिर वो शहर के काजी के पास जाके अपना निकाह ख़त्म करा ले, फिर आदमी तलाक दे ना दे काजी भी अपनी पावर से निकाह को ख़त्म कर देगा। और अगर इसमें सूरत ऐसी होती है कि कोई औरत साथ रहना ही चाहती है, मसलन ये कि आदमी की मोहब्बत में वो गुज़र बसर साथ कर लेगी इस ऐब के साथ, तो फिर उसको भी औरत को अपना इख्तियार है कि वो अगर करना चाहे तो उसको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि ये यकीन गालिब होना चाहिए औरत को कि वो ताउम्र वाकई में इस सूरत हाल में उसके साथ रह सकती है या नहीं। अगर वो गुनाह में पढ़ने के उसके इम्कान है, शक है कि जाहिर है कि गुनाह में जाएगी या दूसरी तरफ दूसरे गुनाहों में मुब्तला हो जाएगी, तो फिर औरत को ऐसा
नहीं करना चाहिए, यानी तलाक लेके दूसरा निकाह ही करना चाहिए। और अगर उसको ये उम्मीद है कि भाई बीमारी ठीक हो जाएगी और जब तक बीमारी में मैं साथ रहना चाहती हूँ या इलाज कराना चाहती हूँ साथ में, मतलब औरत की अपनी हिम्मत की बात है, अगर वो साथ देना चाहे और इस तरह से ना अलग होना चाहे, चाहे आदमी की मोहब्बत ही में क्यों ना हो के वो साथ रहे, तो उसका इख्तियार है, वो रह सकती है। और अगर इलाज से फ़ायदा हो जाए तो ठीक है, ना फ़ायदा हो तो फिर औरत को भी इख्तियार है तलाक लेने ना लेने का। अब इसमें जो है ना, अक्सर तलाक के बिना में जो जल्दबाजी होती है वो क्या होती है, जैसे शादी हुई और आदमी नामर्द है तो इसका खबर तो पहली बात औरत देगी, शरई एतबार से उसकी गवाही मानी जाएगी कि औरत इस बात की गवाही देगी कि आदमी नामर्द है, ना कि कोई दूसरे रिश्तेदार बोले कि जी ऐसा है या वैसा है। अगर औरत गवाही देती है कि हाँ ये नामर्द है, तो फिर वाकई आगे के जो प्रोसेस मैंने बताए उस पर जो है ना वो अमल किया जाएगा। लेकिन इसमें होता ये है कि आदमी नामर्द है, ये चीज़ आते के साथ ही यानी शादी की पहली रात को अगर ये चीज़ डिसाइड हो जाती है, तो फिर अगले ही हफ्ते में मीटिंग वगैरह घर घर आके बैठते हैं और इस तरह से तलाक और जुदाई कराते हैं। जब तक इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, शरीयत ने एक प्रोसेस रखा है, इलाज का टाइम भी दिया है और भी दूसरे मामले हैं इख्तियार के औरत आदमी को, तो पहले उनको भी नज़र कर लेना चाहिए। अगर किसी सूरत घर बस जाए, इलाज से फ़ायदा हो जाए, थोड़ा टाइम दे दिया जाए तो ठीक है, और जल्दबाजी वहाँ करनी चाहिए कि जहाँ कुदरती तौर से आदमी ऐसा हो कि जिसको इलाज से फ़ायदा नहीं हो सकता। और अगर किसी मर्ज में, हादसे में, एक्सीडेंट की वजह से या किसी चोट लगने की वजह से ऐसी सूरत आई है तो एक अलग बात, हो सकता है इलाज से फ़ायदा हो जाए, अगर चोट गंभीर ना हो तो फ़ायदा अक्सर हो ही जाता है। बाकी दूसरी चीज़ों में जो तलाक कराते हैं, मतलब ये कि स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर, इसकी रिपोर्ट की बिना पर, औलाद ना होने की बिना पर, मोटिलिटी की बिना पर, या औरत के बांझ होने की बिना पर, या हमल ना ठहरने की बिना पर, हमल ज़ाया होने की बिना पर, ये सब चीज़ों में जो है ना तलाक आदमी पर वाजिब नहीं है कि दे। हाँ इतना हो सकता है बिलफर्ज़ अगर औरत साहिब औलाद नहीं है या नहीं बन सकती और आदमी दूसरा निकाह करना चाहे, तो वो दूसरा निकाह एक अलग प्रोसेस है, उसको इख्तियार है। वो तो सेहतमंद औरत के साथ भी करना चाहे तो इख्तियार है, यानी वो तो मसला ही अलग है, ये बिना नहीं है। लेकिन ये औरत को तलाक करा देना या घर तोड़वा देना या उस पर जुल्म करने की बिना नहीं बुनियाद बन सकता कि इस बिना पर आप उसको जो है वो तलाक कराएं। जो तलाक की बुनियाद है वो बेसिकली बुनियाद नामर्द की वो यही है कि वो हम इस तरीके कादिर ना हो। और ये भी मैंने बता दिया कि अगर चंद औरतों से कादिर है तो उसके हक में वो तब भी मर्द करार पाएगा, और जिसके हक में कादिर नहीं है उसी के हक में फ़कत वो नामर्द करार पाएगा। तो जो है इस तरह से इलाज के बाद देखा जाए, सूरत ना निकले तो तलाक करा लिया जाए। बाकी जिसने धोखा दे के शादी करी उसने वाकई गुनाह का काम किया और औरत पे ज़ाहिर है कि जुल्म भी किया, तो उसको चाहिए कि औरत को वो आज़ाद कर दे और तलाक दे दे। पुराने